नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। लद्दाख में गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि न वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वे सबक सिखा कर गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों को देश की रक्षा के लिए जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, चाहे जवानों को तैनात करना हो, कार्रवाई करनी हो या जवाबी कार्रवाई करनी हो। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवनिर्मित बुनियादी संरचनाओं की वजह से, खासतौर पर LEC के आसपास हुए निर्माण में हमारी गश्त की क्षमता बढ़ी है। बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षा करने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। बारिश के कारण जहां सड़क पर पानी व कीचड़ जमा है, वहीं दिन भर लगातार बारिश के कारण लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 20 जून तक भारी बारिश होगी। कक्षा 3 से 9वीं तक ऑनलाइन होगी परीक्षा। झारखंड में संक्रमण को देखते हुए परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया गया है। अब ऑनलाइन कक्षाओं के साथ स्कूलों में ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्कूलों ने परीक्षा को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कक्षा 3 से 9वीं व 11वीं की परीक्षाओं में सब्जेक्टिव की जगह अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चयन किया जा रहा है, जिससे कि ऑनलाइन पेपर हल करने में आसान के साथ मूल्यांकन करना भी आसान होगा। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अभिभावकों पर कदाचार मुक्त परीक्षा कराने का जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। झारखंड में आज 45 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो सिमडेगा से 21, हजारीबाग 8, रांची 6, पूर्वी सिंहभूम 5, सरायकेला 1, लोहरदगा 3, चतरा से 1 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1920 से बढ़कर 1965 हो गई, जबकि 1335 लोग स्वस्थ हुए, 11 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 3,95,812 है, जबकि 2,14,206 लोग स्वस्थ हुए और 12,970 की मृत्यु हो गई। अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को एक और मौका। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि झारखंड में अप्रशिक्षित रह गए पारा शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक और अवसर देने पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यदि इसका कोई प्रस्ताव मंत्रालय को दिया है तो वे इस पर जरूर विचार करेंगे और उचित निर्णय लेंगे। बता दें कि प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले ऐसे लगभग 4500 पारा शिक्षकों का कई माह से मानदेय बंद है। झारखंड सरकार ट्रेन की बोगी में बने आइसोलेशन वार्ड का उपयोग करेगी। झारखंड सरकार अब रांची रेल डिवीजन के हटिया व मुरी स्टेशन पर ट्रेनों के डिब्बों में बने आइसोलेशन वार्ड का उपयोग करेगी। इसके लिए स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने रेलवे को पत्र लिखा है। नोडल अधिकारी डॉक्टर भागवत मरांडी ने हटिया यार्ड में ट्रेनों के विभिन्न डिब्बों में बने आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद निदेशक हेल्थ ने कहा कि ट्रेन के डिब्बों में बने आइसोलेशन वार्ड में कुछ कमियां हैं, जिसे रेलवे के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। पशुपालकों को मिलेगा 3,00,000 रुपये तक का KCC। लॉकडाउन में हुई आर्थिक तंगी से उबरने के लिए सरकार राज्य के पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवा रही है। इसके तहत दुधारू मवेशियों के पालकों को KCC के तहत 1,60,000 से 3,00,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। आपको बता दें कि 1,60,000 KCC लोन के लिए कोई गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि इससे अधिक लोन लेने के लिए यानी कि 3,00,000 तक का लोन लेने के लिए गारंटी की जरूरत होगी। राजकीय सम्मान के साथ साहेबगंज के मुनीलाल घाट पर शहीद कुंदन की हुई अंत्येष्टि। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद कुंदन कुमार ओझा की अंत्येष्टि शुक्रवार को राजकीय सम्मान के साथ की गई। साहेबगंज के मुनीलाल शमशान घाट पर शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। अंत्येष्टि से पूर्व शहीद कुंदन कुमार ओझा को सेना के जवानों द्वारा सलामी दी गई। सलामी के लिए रामगढ़ व दानापुर कैंट से सेना के जवान आए हुए थे। राजकीय सम्मान के साथ शहीद गणेश हंसदा की बहरागोड़ा में हुई अंत्येष्टि। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के हिंसक झड़प में शहीद गणेश हंसदा की अंत्येष्टि शुक्रवार को राजकीय सम्मान के साथ की गई। शहीद का पार्थिव शरीर सेना के वाहन से घर तक लाया गया, जहां घर से कुछ दूरी शहीद की पैतृक जमीन में ही दाह संस्कार किया गया। शहीद गणेश हंसदा को अंतिम सलामी देने के साथ अंत्येष्टि की गई।
रांची में 6000 राशन कार्ड होंगे रद्द। अपात्र राशन कार्ड धारियों पर कार्रवाई तेजी हो गई है। रांची जिला में 6000 से अधिक अपात्र राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा राशन कार्ड की गहन भौतिक जांच कराई गई है। इसमें 5000 से अधिक निष्क्रिय राशन कार्ड हैं, जबकि रांची में स्वेच्छा से 1100 राशन कार्ड धारियों ने अपना कार्ड सरेंडर किया है। झारखंड में दीपक प्रकाश और शिबु सोरेन ने जीता राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा चुनाव में झारखंड से भाजपा के दीपक प्रकाश और झामुमो के शिबु सोरेन को जीत मिली है। दीपक प्रकाश को 31 वोट जबकि शिबु सोरेन को 30 वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस के शहजाद अनवर को महज 18 वोट मिले। रांची के कांके रोड में चीनी नागरिक के रहने की सूचना पर हंगामा। झारखंड में रांची के कांके रोड के एक अपार्टमेंट में 3 चीनी नागरिक के रहने की सूचना पर हंगामा शुरू हो गया। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग उन्हें तुरंत हटाने की मांग कर रहे थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद सदर DSP दीपक पांडे व गोंदा थाना मौके पर पहुंचे। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि तीनों चीनी नागरिक एक मोबाइल कंपनी में काम करते हैं। श्रावणी मेला को लेकर उपायुक्त ने की बैठक। श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। फिलहाल सरकार द्वारा 30 जून तक धार्मिक स्थलों को नहीं खोले जाने पर रोक है। श्रावणी मेला के आयोजन की तैयारी के लिए जिला प्रशासन को कम से कम 2 महीने का समय लगता है, लेकिन अब श्रावणी मेला के लिए महज 15 दिन शेष रह गए हैं। इस संबंध में शुक्रवार को उपायुक्त नैसी सहाय की अध्यक्षता में सभी पदाधिकारियों और मंदिर के पंडा के साथ बैठक हुई। DC ने बताया कि 30 जून तक मंदिर खोलने पर रोक है और श्रावणी मेला के शुरू होने में महज 15 दिन बाकी है, लेकिन देखा जा रहा है कि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, जिसे नियंत्रण करना और मंदिर आने से रोकने के लिए एक विशेष रणनीति की जरूरी है। पलामू में जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक। उपायुक्त डॉक्टर संतनु कुमार अग्रहरि की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजन की गई। इसमें जिला आनावन नीति अंतर्गत प्रस्तावित योजनाओं एवं उसमें आने वाले अनुमानित लागत की स्वीकृति प्रदान की गई। जिले के 21 प्रखंड क्षेत्रों के लिए 349 योजना की स्वीकृति मिली है। इसमें 6943 लाख रुपए अनुमानित लागत खर्च होंगे। इसके तहत पुलिया निर्माण, PCC पथ, नाला पर छलका निर्माण, नाली इत्यादि का निर्माण कराया जाएगा। होटल सैलून ब्यूटी पार्लर खोलने की मांग चैम्बर। राज्य सरकार के आदेश के बाद शुक्रवार से शहरी क्षेत्रों में कपड़े और जूता चप्पल की दुकानें खुलने लगी। इसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने होटल बैद्यनाथ के सभागार में बैठक कर सरकार से होटल सैलून खोलने की मांग की। व्यवसायियों संगठनों ने कहा कि लगभग सभी प्रतिष्ठान खुल चुके हैं, रेलवे का परिचालन भी सीमित लेकिन खुल चुके हैं। शहर में रहने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था को देखते हुए सरकार होटल प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाज़त दे। व्यवसायियों ने कहा कि सरकार अगर हमारी मांगे पर विचार नहीं करती है तो जबरन सड़क पर उतरना पड़ेगा। रांची में बड़ा तालाब की दुर्दशा पर हाईकोर्ट सख्त। रांची के बड़ा तालाब के हालात को देखकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त रुख दिखाया है। शुक्रवार के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने नगर निगम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप लोगों ने तालाब की दुर्दशा कर दी है। नगर निकाय यह कर नहीं बच सकती कि तालाब की सफाई के लिए जारी टेंडर में कोई सम्मिलित नहीं हो रहा। नगर निगम को खुद से ही इसे सफाई करना होगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या राज्य के जल स्रोतों को बचाव के लिए सरकार के पास कोई नीति है या नहीं, उसकी जानकारी अदालत में खारिज करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य के सभी जल स्रोत का संरक्षण करना सरकार का दायित्व है। सिपाही हवलदार को प्रमोशन के लिए देनी होगी संपत्ति की जानकारी। झारखंड पुलिस में सिपाही हवलदार को प्रोन्नति के लिए संपत्ति की जानकारी देनी होगी। राज्य पुलिस की DIG कर्मी ए विजय लक्ष्मी ने प्रोन्नति के संबंध में सभी रेंज प्रशिक्षण केंद्र वाहनियों व शाखाओं के DIG से 25 जून तक सेवा पुस्तिका के साथ संपत्ति की जानकारी की मांग की है। गौरतलब है कि दरोगा इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी के प्रोन्नति में अब तक सेवा पुस्तिका व संपत्ति की जानकारी की मांग की जाती थी। ऐसा पहली बार है जब सिपाही हवलदार को प्रोन्नति के लिए संपत्ति की जानकारी देनी होगी। गिरिडीह में 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार।
गिरिडीह पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। डीएसपी संदीप सुमन इन दिनों साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक बार फिर 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उधर गिरिडीह में एसीबी के टीम ने शुक्रवार को बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पदस्थापित एसआई शत्रुघ्न प्रसाद को 5,000 घूस लेते गिरफ्तार किया है। बोकारो में 20 करोड़ के बनी सड़क, फिर भी जल जमाव। बोकारो के चास प्रखंड क्षेत्र के नारायणपुर पंचायत स्थित भांगा बाजार गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 1 किलोमीटर पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य इसी वर्ष फरवरी में पूर्ण किया गया। निर्माण के समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि सड़क पर जल जमाव न हो। ग्रामीण के अनुसार कहा गया कि निर्माण कार्य शुरू होने के पूर्व ही संवेदक सहित कर्मियों को हर वर्ष हो रहे जल जमाव की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद इसका ख्याल नहीं रखा गया। अब हालत ऐसी है कि लोग अपने घर के द्वार पर बैठ भी नहीं पा रहे। विश्व सिकल सेल दिवस पर केंद्रीय मंत्री बोले, 86 बच्चों में से एक में पाई जाती है बीमारी। विश्व सिकल सेल दिवस पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सिकल सेल की बीमारी से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार कृत संकल्पित है। केंद्रीय मंत्री ने 19 जून को आयोजित नेशनल सिकल सेल को अपने आवास से संबोधित किया। इस दौरान सिकल सेल की बीमारी से बचाव के लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को जारी एडवाइजरी और किए जा रहे प्रयास संबंधी जानकारी विस्तार से दी गई। खूंटी में कैदियों के संपर्क में आए 24 कैदियों का लिया गया सैंपल। खूंटी उपकारा के एक कैदी को संक्रमित पाए जाने के बाद उसके संपर्क में आए सभी कैदियों की जांच की जा रही है। उसके संपर्क में आए 24 लोगों का सैंपल लिया गया और सैंपल जांच के लिए केयर में भेज दिया गया है, जहां ट्रू नेट मशीन द्वारा जांच की जाएगी। गढ़वा में जमीन कारोबारी की हत्या। गढ़वा जिला में अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए नगवा मोहल्ले के एक ग्रामीण कारोबारी कृष्ण चंद्रवंशी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी ने इस मामले में थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने पूछताछ में 4 युवक को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी रवि विश्वकर्मा फरार है। धनबाद में मशीनों से कोयला लोडिंग के विरोध में मजदूर। धनबाद BCCL एरिया 6 के कुसुंडा क्षेत्र के न्यू गोधर कुसुंडा कोयलरी के 14 नंबर डिपो से प्रबंधन द्वारा रोड सेल कोयला का मशीन से लोडिंग करने के प्रयास को लेकर असंगठित मजदूरों ने विरोध किया। 3 माह बाद फिर सक्रिय हुआ कोढ़ा गैंग। रांची की सुरक्षा को एक बार फिर चुनौती मिलने वाली है। लूटपाट और झपटामारी जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय कुख्यात कोढ़ा गैंग के एक बार फिर सक्रिय होने की सूचना है। करीब 3 माह पहले ही पुलिस ने इस गैंग पर नकेल कसी थी। JPSC का संशोधित कैलेंडर जारी। JPSC ने पुनः संशोधित कैलेंडर जारी किया है। इसके अनुसार 6ठी सिविल सेवा सीमित परीक्षा 22 और 23 अगस्त को होगी। इसके अलावा मेडिकल अफसर की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू 17 से 28 जुलाई तक लिए जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।